हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की। देखिए, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात किया था, वैसे ही आज कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात कर देंगे। इसमें क्या होता है कि देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब भी हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट वी राइट कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि इन सम सिचुएशन इफ यू वॉन्ट टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बाई पासिंग द स्टेटमेंट्स इन साइड द लूप विच हैव नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने कोई लूप बनाया है, सपोज कीजिए कोई भी, हमने यहाँ पे से हमने कहा व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा कि ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, से डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरह के स्टेटमेंट इसके दिए हुए हैं और हमने यहाँ पे दे दिया आई प्लस प्लस करके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हमको क्या करना होगा, इफ यू वॉन्ट टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बाई पासिंग द स्टेटमेंट इन साइड द लूप विच हैव नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। अब मान लीजिए हमने कहा कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया लूप में, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, और इसके बाद हमको क्या करना है कि इनको बाईपास करके दोबारा से हमें जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो लूप के शुरू में ले जाना है, ठीक है। तो इन इस सिचुएशंस में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें जो कीवर्ड यूज होता है, जो कीवर्ड कंटिन्यू, ये जो कीवर्ड है, दिस कीवर्ड कॉन्टिन्यू इज एनकाउंटर्ड इन साइड एनी सी लूप, कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासेस टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब भी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एनकाउंटर होगा जब प्रोग्राम रन कर रहा है, तो जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा से लूप के शुरुआत में चला जाएगा। अब इस चीज को हम आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि जनरली क्या होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का इफ के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज कीजिए से मान लीजिए इसको हटा देते हैं, हम कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसपे उससे आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा मेन, ठीक है, फिर डिक्लेयर कर दिया हमने वेरिएबल इंटीजर आई और इंटीजर जे, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हमने लूप लगाया फॉर का, फॉर आई इक्वल टू 1 से 2 तक, तो 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ हमने दे दिया आई प्लस प्लस, ठीक। अब इसके अंदर, इस फॉर के अंदर फिर हमने एक दूसरा फॉर अप्लाई किया, फॉर जे इक्वल टू 1 to 2, जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 और जे प्लस प्लस, ठीक है। और अब हमने इसमें ये चेक किया कि इफ फॉर इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जे इज इक्वल टू 1 से 2 तक लूप चलेगा जे प्लस प्लस। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हमने ये कंडीशन दे दिया कि इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई इक्वल टू जे अगर ये कंडीशन है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया कंटिन्यू, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट एफ करा दिया हमने। कंटिन्यू देने के बाद यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन, हमने इसलिए दिया ताकि नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो और आई और जे दोनों की वैल्यू प्रिंट की, तो परसेंटेज डी कोट्स क्लोज्ड कॉमा आई कॉमा जे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आपका फॉर का लूप बंद हो गया, ये फॉर का आई वाला लूप बंद हो गया, और यहाँ पे ये मेन वाला लूप बंद हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा कि
जब हम इसको रन कराएंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का वो हमें इस तरह मिलेगा। इसमें हमने क्या लिखा है, फॉर आई इक्वल टू 1 to 2, फॉर जे इक्वल टू 1 to 2, इफ आई इक्वल टू जे, जब आई और जे की वैल्यू बराबर हो तो क्या करेंगे, कंटिन्यू, मतलब फिर से लूप यहाँ पे चला जाएगा और वैल्यू उसकी हम प्रिंट कर देंगे। तो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 1, 2 और 2, 1, इस तरह आउटपुट आ जाएगा हमारा। इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज नोट करने वाली यह है कि नोट दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स दैट ऑफ जे द कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल टू द फॉर लूप इनर बाय पासिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स पेंडिंग एग्जीक्यूशन इन द फॉर लूप। यानी कि इसमें देखिए क्या होगा कि जब भी ये स्टेटमेंट इफ आई इक्वल टू जे, जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कंट्रोल यहां नहीं जाएगा। ठीक, कंट्रोल यहां तभी जाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो जब आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 1 है, जब ये कंडीशन फुलफिल हुई आई इक्वल टू जे, तो कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि दोबारा से प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ अगले स्टेटमेंट पे जाने की बजाय, देखिए ये जब भी कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे जाने की बजाय यहाँ से फिर से इनर लूप पे चला जाएगा यहाँ पे। और जब कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो देखिए जब आई इक्वल टू 1 है, जब आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 1 है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, तो दोबारा से जे यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर जब आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू 2 है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा ये पहली लाइन आ जाएगी 1 और 2। ठीक, फिर ऐसे ही जब आई इक्वल टू 2 होगा और जे इक्वल टू 1 होगा तब भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद जब आई इक्वल टू 2 होगा और जे इक्वल टू भी 2 होगा तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी ये वाली लाइन, और खाली ये दो लाइन आपको आउटपुट मिलेगी प्रोग्राम में। तो मेन जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज है वो यही है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि ये बाकी बचे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बजाय प्रोग्राम का कंट्रोल दोबारा से एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप लेके चला जाता है। ठीक है, तो मेन एडवांटेज आपको क्या है कि अब इसमें बात आती है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हमने पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट में जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो मान लीजिए कोई भी लूप, हमने कहा से वाइल लूप हमने कोई दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ब्रेक का मतलब क्या है कि प्रोग्राम का कंट्रोल जो है ब्रेक करने के बाद लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द लूप, लूप को किनारे करके, लूप को ब्रेक करके प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाता है। जबकि कंटिन्यू के केस में क्या है, कंटिन्यू के केस में ये है कि मान लीजिए आपने कहा व्हाइल और यहां पे आपने कोई भी कंडीशन दे दिया, ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, और यहां आपने दे दिया कंटिन्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, ब्रेक में एनकाउंटर होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू में स्टेटमेंट में जब स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा प्रोग्राम को रन कराने में तो प्रोग्राम का कंट्रोल वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा, वो फिर से बिगनिंग ऑफ द लूप चला जाएगा। यानी इसको भी बल्कि यहाँ से हटा के बिगनिंग ऑफ द लूप आप यहाँ पहुंच जाइए कि जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट हो तो प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से यहाँ पहुंच जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। जब आपको लूप से बाहर निकालना है प्रोग्राम का कंट्रोल, लूप के बाहर का जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वहां लाना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कीजिए। और अभी आपको अगर बाकी स्टेटमेंट को छोड़ के फिर से अभी प्रोग्राम को लूप में ही रखना है
तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कीजिए. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू. तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का, उसके हिसाब से आप ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए. और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके. थैंक यू.